वैसे तो KGSD वाले अब गिरबुल का जो सिम है वो नहीं बना रहे और बेच भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जगह है जहाँ से आप KGSD के गिरबुल रशिया और अंगद के जो सिम है वो खरीद सकेंगे। वो कौन सी जगह है वो जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं रशिया की डिटेल्स के बारे में। तो जितनी भी रिटर्न डिटेल्स यानी कि लिखी हुई जानकारी है, यानी कि इसके जो माँ बाप है उनका मिल्क रिकॉर्ड क्या है, रशिया की बर्थ डेट क्या है वगैरह, सारी जानकारी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर रशिया की कुछ फोटोग्राफ्स है जब वो छोटा था तब की जो फोटोग्राफ्स है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर एक के बाद एक देख सकते हैं। और रशिया सागवाड़ी गौशाला भावनगर का है, ये सारी जानकारी तो आप सभी को पता ही होगी। और अब चलते हैं रशिया की पेडिग्री की ओर। पेडिग्री यानी कि वंशावली, जिसपे सबसे पहले आप उसकी लिखी हुई पेडिग्री देख सकते हैं। वैसे तो सभी फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो फोटोग्राफ्स है वो मेरे पास है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रशिया के बाप की साइड से, यानी कि फादर साइड से। तो रशिया का जो बाप है वो है पांडेरियो। पांडेरियो की काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स है, आप एक के बाद एक सारी देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो पांडेरियो का जो बाप है वो है गोंडेरियो, और साथ ही में पांडेरियो की जो माँ है वो है पांडेर 17 नंबर की गाय, तो उसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर हम आगे अगर बात करें गोंडेरियो के बारे में, तो आप सभी को पता ही है रूपानो वाड़वा गोंडेरियो का बाप था, और रामा गरेड़ करके जो गाय थी वो गोंडेरियो की माँ थी। फिर अगर हम आगे बात करें रूपानो के बारे में, तो रूपानो का जो बाप है वो है नानो सुदानो, और रूपानो की जो माँ है वो है रूपा मोटी। और हाँ, यहाँ पर जो पांडे 17 नाम की गाय है उसकी जो माँ है रूपा गोंडल, या फिर उसका जो बाप है मोरबी वाड़ा, उस दोनों में से किसी की भी फोटोग्राफ मुझे नहीं मिल पाई है। लेकिन रूपा गोंडल के जो माँ बाप है वो है नानो सुदानो और रूपा मोटी, तो उन दोनों की फोटोग्राफ मैंने आपको पहले भी बताई है। और हाँ, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना, और साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर देना। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई रशिया की फादर साइड। अब बात करते हैं रशिया की मदर साइड की तरफ से। तो सबसे पहले आप उसकी माँ का फोटोग्राफ देख सकते हैं जो कि है रूपा तिलक। रूपा तिलक का जो बाप है वो गोंडेरियो ही है। तो फिर से मैं आपको गोंडेरियो की पेडिग्री का जो फोटोग्राफ है वो नहीं दिखाऊँगा, इसलिए रूपा तिलक की जो माँ है वो है रूपा तिलक 18 नंबर की गाय। ऐसे इसके भी फोटोग्राफ मेरे पास में नहीं है, लेकिन रूपा तिलक का जो बाप है वो है तिलक, उसकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। और उसकी जो माँ है रूपा वार्ड वन, उसकी फोटोग्राफ हालांकि मेरे पास में नहीं है। रूपा वार्ड वन का जो बाप है वो जो बुल है वो है प्रेमनाथ। प्रेमनाथ की काफ़ी सारी फोटोग्राफ है मेरे पास में, वो आप देख सकते हैं। और एक खास बात कि प्रेमनाथ जो बुल है वो ब्राज़ील में भी गया था, तो उसकी भी तीन चार अलग अलग फोटोग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं। रूपा वार्ड वन की जो माँ है वो है रूपा मोटी, और रूपा मोटी का जो बाप है वो है दाड़म्बियो। आप सभी लोग जानते ही है, काफ़ी फेमस गाय है रूपा मोटी। तो दाड़म्यो उसका जो बाप है उसकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। और रूपा मोटी की जो माँ है रूपा 1270 नंबर, तो उसकी फोटोग्राफ मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है वो रशिया की सारी पेडिग्री देख ली, और जितने भी फोटोग्राफ्स मेरे पास में थे उसके परदादा पर नानी वगैरह के, तो वो सारे ही फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं रशिया के सीमेन आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, रशिया के जो सीमेन है वो अभी सागवारी गौशाला भावनगर में अवेलेबल है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ दिनों पहले ही बताया था कि उनके पास अंगद और रशिया दोनों की जो सीमन है वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ पर जाकर ख़रीद सकते हैं। बाकी और कोई जगह मुझे मालूम नहीं है जहाँ से आप रशिया या फिर दूसरे के GSD बुल के जो सीमन है वो ख़रीद पाओगे। तो अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम ID की जो लिंक है सागवारी गौशाला की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है वो उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रशिया बुल के रिजल्ट्स के बारे में। तो रशिया के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, क्योंकि उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इसमें जो है वो सागवाड़ी गौशाला भावनगर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीन मौजूद है, क्योंकि इसके जो माँ बाप है वो दोनों में ही गोंडेरियो जो है वो कॉमन है, यानी कि 50% ब्लड जो है वो इसके माँ बाप में सेम है, इसलिए लाइन ब्रीड आप इसे बोल सकते हैं या फिर इनब्रीड आप जो भी बोलना चाहें। तो रशिया जो है वो लाइन ब्रीड बुल है, इसलिए इसके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छे आ रहे हैं, खास करके काबरे रंग में आ रहे हैं बिल्कुल रशिया के जैसे ही। तो उन सभी की आप फोटोग्राफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और हाँ, लाल गाय जो है उनमें भी जो है वो रशिया का काबरे रंग का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। वैसे सिर्फ एक ही हिफर मिली जो कि ब्याने के आसपास पहुँच गई होगी, तो उसका भी फोटोग्राफ मैं इंक्लूड कर दूंगा। आप अगर स्किप करके देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं सभी फोटोग्राफ्स एक साथ डाल दे रहा हूँ। आप धीरे धीरे करके देखोगे तो आपको उसमें जो है वो कई सारी बड़ी हिफर्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि रशिया की ही हैं। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की कि रशिया की दो चार हीपर्स जो कि पहले या दूसरे ब्यात में हो, अगर उनकी फ़ोटोग्राफ मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने जो है वो ज़्यादातर जब वो छोटे बच्चे थे तभी की फ़ोटोग्राफ शेयर की है, तो
तो इसीलिए मेरे पास जो है वो इतनी ज़्यादा रिजल्ट्स की फ़ोटोग्राफ नहीं है जो कि ब्याह चुके हों, तो इसीलिए बस यही है। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही सारे ही गिर बुश की जानकारी आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा।